नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज अभी एक घंटा पहले बहादुरपुरा मिरालम टैंक के पास में हमारे हेल्पलाइन पे कॉल आया था। एक स्नेक सम के अंदर गिर गया है उनके, उन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो सबसे नियरेस्ट मैं ही था, मैं उस टाइम पर हाईकोर्ट के पास था। मुझे हेल्पलाइन से कॉल डाइवर्ट हुआ है और मैंने 15 मिनट्स में सिचुएशन को अटेंड किया। आके देखा सम के अंदर एक इंडियन रॉक पाइथन गिरा हुआ है। तो घर काफ़ी दिन से बंद था, तो आज ही उन्होंने नोटिस किया है उसके अंदर। शायद 3-4 दिन पहले आकर गिर गया होगा यहाँ पर। मिरालम टैंक के पास इनका मिलना काफ़ी कॉमन है। ये ऑलमोस्ट 8.5-9 फीट का स्पेसिमन है, हेल्दी है, कोई इंजरीज नहीं है इसको। यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म करने के बाद में स्नेक को सम से निकाला है और उसको रेस्क्यू करके हमने एक बैग में डाल लिया है। ये स्नेक अभी हमारे सोसाइटी के शेल्टर पर चला जाएगा जो कि बाचूपल्ली में है, स्नेक रेस्क्यू सेंटर। जैसे हमें डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स मिलेंगे इसको रिलीज़ करने के फॉरेस्ट में, हम इसको रिलीज़ कर देंगे। ये इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, हिंदी में इसको अजगर और अपने उर्दू में इसको अजदा बोलते हैं। ये नॉन वेनमस है, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन इनके बड़े साइज़ की वजह से लोग काफ़ी डरते हैं इससे। इनके मुंह में काफ़ी सारे दांत होते हैं, ऑलमोस्ट 60 से 80 दांत होते हैं। इनके काटने पे दर्द बहुत होता है, सेप्टिक के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई स्नेक आपको दिखाई दे तो उसे खुद हैंडल करने की कोशिश ना करें और हमारे सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको 15-20 मिनट्स में रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कोई भी आके अटेंड कर लेगा सिचुएशन को। हमारी सोसाइटी का हेल्पलाइन नंबर है 8374233666, 8374233666। सोसाइटी का नाम है फ्रेंड्स ऑफ स्नेक्स हेल्प सोसाइटी। थैंक यू। क्या करना है, बोलो बोलिए। आतिफ भाई हट जाओ थोड़ा। कुछ 5 करोड़ से दे आवे ना। ये ले आप डॉक्टर, चलो कुछ अंदर। हाय भाई, 15-20 किलो है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। जय हिंद।